ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। आमला विधानसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडागरे ने मतदाताओं से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में ना सड़कें दिखाई देती थी ना बिजली आती थी। कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया लेकिन वह जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाई। आज प्रदेश की शिवराज सरकार ने विकास ही विकास किया है और यह भी कहा है कि भाजपा सरकार ने इन 15 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी जैसे सभी क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं। बैतूल मध्य प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए अविनाश उइके की रिपोर्ट। अभी तक के लोगों में तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है पार्टी की तरफ। जिस तरह से जनहित कार्य शिवराज सरकार ने किए हैं तो वो जनता की उम्मीदों पे खरी उतरी है और इसी का समर्थन हम प्रत्याशियों को भी मिल रहा है। और रही बात जो मेरे कामों की, तो सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ जगह पे जो खराब सड़कें हैं उनका उनको बनवाने का, और पेयजल की कुछ समस्या है उसके लिए लालावाड़ी डैम से पानी की व्यवस्था करने का प्रावधान है। वहाँ पर इंटेक वेल बन चुका है, नल जल योजना के नल जल योजना का प्रारंभ हो चुका है और वो शायद कार्य पूरी तरह से भी अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसा था कि अभी तक अपन अपना देश एक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था। अभी हमारे माननीय राकेश सिंह जी ने भी और अमित शाह जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि पहले यहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज था। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपकी।